किसान का जो मुद्दा है तो इन्होंने तो किसानों की सुनी है जी, न व्यापार, इन्होंने GST वगैरह लगा के सारा व्यापार इन्होंने चौपट कर दिया जी। किसी वर्ग को इसने नहीं छोड़ा जी बीजेपी वालों ने। मैं अगर जमानत जब्त नहीं होगी तो कहाँ होगी राजनीति और दंड हो रहे, कई दिन हो गए ना, 10 साल हो गया, ठीक है 10 साल मुझे अंदर छगले है। कोई एक चीज तो बीजेपी सरकार की ऐसी बता दो आप जिसकी वजह से आज हम उनको वोट दें, ठीक है। क्या लगता है आपको गांव में आप जा रहे हो डेवलपमेंट, फार्मर की सोचो आप, शॉपकीपर की सोचो आप, उससे थोड़े ऊपर की जो फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज की सोचो, कहाँ किस जगह पे आपको ऐसा लगता है भाई यहाँ पे वोट देना चाहिए? खाद भी ऑनलाइन सिस्टम से सिग्नेचर करके गुट्ठे लेने का जी थानों में मिली है 10, हाँ जी बताओ, गट्टा घटा दिया जी, भाव उधर आके दिया, मैं उसमें तोल घटा दिया, अब 10 लाइन में लग जाओ, कट्टा को नहीं मिले जी, फसल बोन का टेम आ रहा है कौन मिले के करा जी। आप ये देखो ये 10 साल राज करया, कांग्रेस वाले नू कहे जी कि भाई हम 500 रुपया सिलेंडर जाए, ये भी नू को हम 500, अरे भाई 10 साल तक हमने किसने रोके था? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मन की बात, भाई तेरी मन की बात तो सारा सुनो, तो जनता की मन की भी तो सुन ले जी। राय सनी जो कांग्रेस 10 काम करे है 7 वह गिना जाए है आपके, 7 तो कांग्रेस वाले गिना जाए, 3 आपके जोड़ जाए है। ये पीछे से वो नड्डा साहब कह रही थी बोले जी 58,000 गांव में बिजली पहुंचा दी हरियाणा, मैंने तो सुने को 58,000 गांव, तो ये धीरे उल्टा UPID वाला सिस्टम ऐसा बना दिया, क्या किया DPID से, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है अगर ये दिए बिना तो मतलब रिश्तेदार का भी कौन करते, पहले गलत काम के लिए लग गया करते, पैसे सही काम के लिए लग गए, सच्चाई तो है यार। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है और एक गांव से दूसरे गांव हम भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम गांव बेरला में हैं, बाड़ा हलके का गांव है और यहां पर हमें कुछ लोग मिल गए, यहां पर दुकान में ही बैठे हुए थे, तो हमने भी सोचा कि तमाम लोगों से हम भी यहाँ पर चर्चा करें बेरला में क्या कुछ हालात चल रहे हैं, तो चलिए इन्हीं से बात करेंगे तो और तमाम लोगों की राय जान करके ये भी पता चलेगा कि अब की बार माहौल किस तरफ जाने वाला है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से जी। तो क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं अभी बेरला गांव में अगर हम बात करें तो? पहले यहाँ तो ज़्यादातर कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस का है, ऐसा क्या कारण हो गया कि कांग्रेस की तरफ लोग ज़्यादा अब की बार झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं? किसान का जो मुद्दा है तो इन्होंने तो किसानों की सुनी है जी, न व्यापार, इन्होंने GST वगैरह लगा के सारा व्यापार इन्होंने चौपट कर दिया जी। किसी वर्ग को इसने नहीं छोड़ा जी बीजेपी वालों ने, ठीक है, तो उसका अब विरोध है। तो गांव की अगर बात करूं तो कितना परसेंटेज वोट जो है कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? 70-30 मान के चलो जी, 70-30, ये तो एक तरफा सा ही हो गया। देखो एक तरफा तो आपकी भाषा में कह सकते हो, तो मतलब बाकियों की तो सबकी जमानत जब्त कराने वाले हो, बारडा में अगर जमानत जब्त नहीं होगी तो कहाँ होगी? अच्छा, मतलब जो लोकसभा में आप लोगों ने करके दिखाया 27,000 की जो लीड जो दी थी कांग्रेस, अब की बार उससे ज्यादा? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बोलो। जो प्रत्याशी खड़े हैं, क्योंकि पहले कहा गया था कि बाहरी हैं, तो वो बाहरी का जो टैग था वो हटा चुके हो? बाहरी कहाँ के जी, गागड़वास में और डालावास में फर्क कितना है जी। बाहरी तो नैना चौटाला थे जी, जो धर्मवीर सिंह जी जो 300 किलोमीटर से नैना चौटाला आके यहाँ के बैठ के राज करके गई जी, कभी वो मरने में नहीं आई, खुशी में नहीं आई, किसी गम में नहीं, ये तो हमारा भाईचारा जी, गुआंड से हमारा, इसमें हमने क्या दिक्कत है जी? ठीक है, तो एक चीज़ और भी लोग कह रहे हैं, अभी जब मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस एरिया में घूम रहा हूँ, अलग अलग गाँव में भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि 3 बार लोहारू से हार गए थे, वहाँ जगह थी नहीं तो उनको यहाँ उतार दिया, क्योंकि पुराने भाई राजनीतिक हैं और चौधरी बंसीलाल के परिवार से जैसे संबंध रखते हैं, तो इसलिए उनको टिकट मिल गई, यहाँ के जो 60 लोग थे उनको टिकट नहीं दी गई। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये पार्टी हाईकमान का फैसला था और पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच के फैसला कराया हुआ जी, वो हमारे लेवल की बात नहीं, बहुत उच्चे लेवल की बात है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भाई जो 60 आदमी 70 आदमी जो भी सारे एक से जी, सारे कहाँ वो नारे चल रहे जी, सोमवीर को 16 शायद अलग से खड़े हैं ऐसा जी,
देखो थोड़ा बहुत तो विरोध कहीं होता ही है, ठीक है, बताओ कहाँ नहीं है। तो मतलब यहाँ से कांग्रेस अब जीतने वाली 100% जी, कांग्रेस जीतने वाली जी, एक एक के पास आएंगे जी, सभी की राय हम जानेंगे जी। ताऊ जी आप भी बताएं, बहुत सारे इलेक्शन देख चुके हो, गए अब की बार का इलेक्शन जब आप देख रहे हो तो उसमें क्या बदलाव देख रहे पा रहे हो? भाई साहब बताओ इसे लगे इस तरह बदलाव सर, ये भाई साहब बताओ ना, दुकान आपकी होगी सर, तो दुकान में जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि व्यापार भी ठप हो रहा है, तो क्या ठप हो रहा है? ठीक है, लेकिन कहा जाता था कि भाजपा तो व्यापारियों के लिए काफी अच्छा काम करती है, उसके बावजूद ये हाल है। बच्चों के ग्रह देखिए, लोग कहते हैं जो हर हर एक रिपोर्ट्स में आप भी देखते होंगे कि व्यापारियों की सरकार है। नाम व्यापारियाँ से, अच्छा, और एक एक बात तो सर, एक बात सर भाई, लंगवाड़ को फंदे फंस रही है, बात तो कड़ी पड़ी। अच्छा, पहले तो लंगवाड़ को फंस, ठीक है, मतलब कहीं तो अच्छा काम सिलेंडर पेंट जैसे तो अब बदलाव का मूड क्यों, जब कुछ फायदे भी हुए हैं तो? राजनीति और धंधो ही हो रहे, कई साल, कई दिन हो गए ना, 10 साल हो गया, ठीक है, 10 साल में धंधा छगले है। तो 10 साल हो गए तो इस वजह से बदलाव चाहिए। हाँ इस तरह भी हो जाए, नहीं तो ठीक थी सर, क्यों एक रोटी खा दो मछली बैठे तो हो जाए। अच्छा, बदलाव मतलब चाहिए, कुछ खाने में बदलाव चाहिए, तो ये तो सरकार है हमारी, सरकार जी, तो सुन सकते हैं आप कि सरकार में भी बदलाव चाहिए, 10 साल हो गए हैं तो कुछ तो बदलाव हो जी, क्या लगता है आपको क्यों बदलाव चाहिए? आप एक चीज़ बताइए, बेरला गांव की इस दुकान में बैठे हैं, कभी वक्त था यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलती थी, कस्टमर इतने आते थे, भीड़ इतनी होती थी, सरकार पॉलिसी चेंज कर देती है, ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया सरकार ने, हम ऑनलाइन आज की डेट में कुछ छोटी से छोटी चीज़ें भी खरीद सकते, लेकिन क्या उन्होंने छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा? कोई एक चीज़ तो बीजेपी सरकार की ऐसी बता दो आप जिसकी वजह से आज हम उनको वोट दें। क्या लगता है आपको, गांव में आप जा रहे हो, डेवलपमेंट फार्मर की सोचो आप, शॉपकीपर की सोचो आप, उससे थोड़े ऊपर की जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की सोचो, कहाँ किस जगह पे आपको ऐसा लगता है भाई यहाँ पे वोट देना चाहिए? डीएपी होती है जमींदार के लिए मेन खाद होता है जी, खाद भी ऑनलाइन सिस्टम से सिग्नेचर करके गुट्ठे जी थानों में मिली है 10। हाँ जी बताओ, गट्टा घटा दिया जी, भाव उछारा आके दिया, मैं उसमें तोल घटा दिया, अब 10 लाइन में लग जाओ, कट्टा को नहीं मिले जी, फसल बोन का टेम आ रहा है, कौन मिले के करा जी? एक चीज और बताइए, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए गांव हैं इस जितने भी हैं, बेरा लगा लो, बारडा एरिया लगा, जितना कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सारे सारे मंडियों में काम होता था, फार्मर चुपचाप बेच के आता था, अपना लेता था, MSP का नाम कर रखा है, एक क्विंटल भी सरकार के अलावा कोई मार्केट में चीज बिकी ना? तो MSP पे ढंग से वहाँ लाइन में लगा के तो बेच के आते हैं, उसमें भी कैप लगा दिया जाता है कि इतना ही खरीदेंगे, उसमें भी इतना ही खरीदना, उसमें भी वो भी डेट फिक्स करते हैं, तब तक उसका टाइम जा चुका है, पर्ची आई तो ठीक है, नहीं तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल सब ऑनलाइन सिस्टम है। अब फार्मर के जो बच्चे हैं कितने पढ़े लिखे मिलेंगे, कितने ऑनलाइन कर पाएंगे उस चीज को, हम उस पोर्टल को कैसे समझेंगे? पोर्टल चलता नहीं है, ई नेम करके ई खरीद करके उन्होंने बना तो दिए सारे, लेकिन पोर्टल चलते ही नहीं उनके, वो टाइम पे पेमेंट नहीं होती, उनका एक ही एक्सक्यूज रहता है जी आपका अकाउंट में गड़बड़ है, उस अकाउंट को ठीक करवाने आपके 2 महीने निकल जाते हैं। मेरे जो आज लोन ले रखा है मैंने लोगों से, वो तो मेरे 1 मिनट में माल बिकते पैसा चाहिएगा उनको, तो इस सरकार ने मतलब कोई ऐसा चीज नहीं, वेट करता है फार्मर, मेरा माल बिकेगा, मैं शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा मैं, वो उसको टाइम पे मिलता नहीं है, उससे आगे का सिस्टम चलता है हमारा, जो शॉपकीपर लगा लो और मार्केट में पैसा वहीं से तो आता है, वो पैसा नहीं आएगा कहाँ से, चेन बनेगा कहाँ से, चलेगा चीज सारा, अफसरशाही का सिस्टम जो है किसी को कोई मतलब नहीं है, सारा सिस्टम ऐसा है, मतलब एक कोई आप घूमते हो, आप पत्रकार हैं, आप 1000 जगह जाते हैं हर रोज, कोई एक ऐसा रीजन आप बताइए हमारे को जिसकी वजह से आज हम बीजेपी को वोट करते हैं। तो मतलब अब बीजेपी का भारी विरोध, माने भारी विरोध, बिल्कुल, हम तो वोट रहे हैं, देखो जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको अगली सरकार, एक बार चीटिंग हो जाएगी अगली बार उसको वोट नहीं मिलेगा, कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं, बार बार थोड़ी चढ़ेगी ये चीजें, रिपीट थोड़ी होंगी ये चीजें, मात नहीं दिखावे लपसूसर मारा मस्तू जी। वो जो वैसे जैसे कांग्रेस कहती है बार बार कि जुमला सरकार है, तो क्या ये जुमला ही सरकार है? बताओ आप तो हमारे से ज्यादा बुद्धिजीवी हो, अभी तो हम आप लोगों की राय जानने आए हैं, हमारी तो राय दो, आप तो हमारे से ज्यादा बुद्धिजीवी हो, तरह तरह की जनता आपसे मिलती है, आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको लगता है कि जुमले की सरकार नहीं है जी?
आप ये देखो, ये 10 साल राज करया, कांग्रेस वाले नू कहे जी कि भाई हम 500 रुपया सिलेंडर दें, ये भी नू को हम 500। अरे भाई 10 साल तक हमने किसी ने रोक किया था? ठीक बात है, बताओ। अब तो शायद कांग्रेस की और जो भाजपा के जो मैनिफेस्टो हैं वो भी लगभग एक जैसे हैं। तो जी वो उसका या तो नकल कर दी, अबे नकल करनी थी तो तुम पहले हम कर लेते। ठीक है, क्यों करी? तो ये जैसे कह रहे हैं कि राष्ट्र के नाम पे वोट दें, आपके धर्म को बचाने के लिए वोट दें, हिंदूवादी सरकार बनाने के नाम पे वोट दें, तो वो जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो क्या माने उनको? क्या पहले ये हिंदुस्तान गुलाम था? काफ़ी साल पहले तो था निक, काफ़ी साल पहले था, आज़ादी मिलने के बाद तो नहीं था। बिल्कुल, ये तो इनकी धर्म के नाम पे झगड़ा करवाओ, भाईचारा खराब करवाते हैं जी। तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, यो जाट से, यो ठाकर से, ये इनका काम है लड़ाई करवाना है। ये भाईचारा को बिगाड़ते हैं। जाति व्यवस्था से कभी कुछ चलता है क्या? हमारा गांव बेरला स्पोज कर लो, यहाँ पे हर तरह के कास्ट के लोग हैं, एक दूसरे का काम भाईचारा है, परिवार है सारे का सारा। इसमें ये अलग अलग कास्टिज्म वाली चीज कहाँ से आ गई? पहले तो कभी नहीं उठी। और रही बात राष्ट्रवाद, इसलिए 10 साल में ज्यादा हुआ जो शोर मचा है वो पेट्रियोटिज्म का सिस्टम अभी चालू हुआ है, उससे पहले कभी था ही नहीं। हम बचपन में स्कूल में जाते थे, जनगण मन, पेट्रियोटिक सॉन्ग जितने भी होते हर चीज चलती थी वो चीजें। अब कुछ ऐसा तो है नहीं, 2014 के बाद ही कुछ अलग से चीज हुआ है। हमने भी, हम जब छोटे छोटे क्लासेस में तब भी सारी चीजें चलती थी। राष्ट्रगान तो हम सब खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल राष्ट्रगान सब खड़े होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। बताओ आप। और अब इन्होंने जैसे अभी मैं देख पा रहा था अभी 15 अगस्त के ऊपर ही कि एक नया वो चीज़ स्टार्ट करने की बात करी, बोले कि स्कूलों में बच्चे अब जय हिंद बोलेंगे। वो तो हम पहले भी बोलते थे। आप एक बात और बताओ जी, जय हिंद तो हमारा एक नारा है, अब इन्होंने कर रखे जिन्हों को एक तिरंगा यात्रा। आप एक चीज़ बताओ, आप भाई साहब, हमारा देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय ध्वज के सामने नतमस्तक होता है। इससे ज्यादा तो इनकी बात ये क्या करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज फहराओ, फहराना चाहिए। मैं भी राष्ट्रीय के मतलब समर्पित हूँ, मैं भी उसके प्रति अपने सलामी देता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज किसी गांव के अंदर अगर फैलाना है, मेन चौक और गांव के सरपंच की जिम्मेवारी लगाओ, तिरंगा यात्रा निकालने, घर घर तिरंगा यात्रा फेंकने लग रहे हैं, वो पैरों में पड़ता है, वो पैरों में पड़ता है। अपमान किसका है? वो हमारे राष्ट्र का है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे घरों की छतों पे जो तिरंगे लगे हुए हैं, उन तिरंगों की हालत जो है वो बड़ी ख़राब भी दिखती है। बिल्कुल, झंडे फट चुके हैं और उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। बात पूछो, राष्ट्रीय ध्वज अगर हमारे पैरों में आए, इससे ज़्यादा अपमान हम क्या करेंगे राष्ट्र का? राष्ट्रीय ध्वज के सामने तो हमने जहाँ भी पहले जाते किसी सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग पे राष्ट्रीय ध्वज खड़ा लगा होता था तो हम उसके सामने ना अपने नमस्ते करते थे। आज राष्ट्रीय ध्वज दुकान के बाहर नागे पड़ गया है, उसके ऊपर आप आओगे, आप भाई साहब पैर उस पर टेकोगे तो हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ही कर रहे ना। क्या सोच है ये? मतलब ये भी ढकोसला रहा फिर? नहीं ढकोसला, आप बताओ, मेरे से पूछना चाह रहे, आप बताओ, ये ढकोसला नहीं है? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आज के दिन फटे पड़े हैं, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने लग रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सरकारी सरकारी बिल्डिंगों में जाओ, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। इनकी सोच ठीक थी कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समर्पित रहे, ये भी ठीक है। लेकिन गांव में अगर जब हमारे 15 अगस्त आती है, व्यवस्था नहीं बन पाए उसकी, नहीं क्यों नहीं करवा रहे? ये घर घर फहराने की बात क्यों कर रहे हैं? तो ठीक है लेकिन उसकी व्यवस्था गलत, व्यवस्था गलत है जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं जो ये व्यवस्थाएं जो हैं उसी का शायद बदला अब विधानसभा चुनाव में निकलने वाला जी। कुछ कहना चाह रहे हैं राष्ट्रवाद की जो आप बता रहे हो सोच, आज मैं यहाँ पे एक शॉपकीपर हूँ, मैं राष्ट्रवाद में सरकार की क्या मदद कर सकता हूँ? GST जी, जो मैं बिल काट रहा हूँ उसमें GST मैंने दे दिया, उसके अलावा मेरे से सरकार को क्या चाहिए? वो कानून का है जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने, पब्लिक ने बनाया उनको, अपना काम करो ना। बखान करने की जरूरत क्या आपको? कैमरों के साथ चलने की जरूरत क्या आपको? काम करेंगे तो दिख ही जाएगा, जो काम करेंगे तो दिखेगा पब्लिक में। आज से पहले कभी सरकारों ने काम नहीं किया क्या? काम वो भी करते थे लेकिन दिखावा नहीं करते थे। लेकिन मीडिया के सामने तो आते ही नहीं हो, 10 साल हो गए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं है किसका?
मोदी जी का कितना वीडियोस वायरल होते हैं उनके मंदिर में जाते हुए निकलते हुए, जो एकांत वाली जगह होती है जहाँ पर पहाड़ों में घूमने जाते हैं वहाँ भी कैमरा पहुँच जाते हैं, गुफा में भी कैमरा पहुँच जाते और क्या चाहिए आपको बताओ, ध्यान मगन होते हुए भी कैमरे चल रहे हैं उनके, लाइमलाइट में बने रहना, उससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको बताओ। बिल्कुल यहाँ समझ सकते हैं जी, एक चीज बताओ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मन की बात, भाई तेरी मन की बात तो सारा सुनो, तो जनता की मन की भी तो सुन ले। बिल्कुल। आप हमारे चुने हुए नुमाइंदे हो, आपका फर्ज तो जनता की मन की बात सुनने की, आपकी मन की बात तो बनाए रखे सो। बिल्कुल सही बात, सुनते नहीं। तो अब पूरा उसका बदला लिया जाएगा? बदला नहीं, हमारे को वोट का देगा ऐसा जी। देखो हम बदला नहीं ले रहे, हम प्रधानमंत्री जी की इज्जत करते हैं, ठीक है, उनको तो तीसरी बार बना भी दिया, वो बन गया, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम तो उनको एहसास दे रहे हैं आपके कर कमलों पे क्या जनता कहाँ जाने लग रही है, सब चीज ऑनलाइन करने थे, उसके प्रति नेटवर्क भी दिया क्या आपने, हर चीज ऑनलाइन सिस्टम से करने लग रहे, तो आधी जनता तो पढ़ाने के प्रति ध्यान दो, आधी जनता तो लाइन में भी लगी पड़ी है। हाँ बताओ कितने गादे में को आप हमारे से पहले आप गाँव में घूम के आए हो, 20-30-50 आदमी से बात करी होगी, कितने गादे में मोबाइल चलाना, ये तो अम्बानी ने बिकवा उसने कोई स्मार्टफोन लो ओटीपी दो, कितना का ना हो जी ओटीपी चलाना, सही बात, क्या पहले सिलेंडर मिलता नहीं था, बिल्कुल मिलता था, आज सिलेंडर ओटीपी चालू कर दिया, बताओ क्या तू कह, बिल्कुल सही बात, इवा भी सोचो भाई साहब हमने वोट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, समझ जाएंगे, हमारी जनता समझदार है और हमारे दर्शक भी काफी समझदार जी। आपको क्या महसूस होता है, जो तमाम बातें भाई साहब ने तो बता दी हैं, आपका मन कहाँ जा रहा है, क्या जो, क्योंकि कहते हैं कि जब चुनाव आए तो अपने कैंडिडेट को भी देखो वो कैसा है, शरीफ है बदमाश है कैसा है, उसका भी नेचर देखना चाहिए, वो क्या वायदे आपसे कर रहा है उसको भी देखना चाहिए, तो क्या वो चीज़ें भी अब देखी जा रही हैं या नहीं, या फिर पिछले काम ही जो हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं? सर ऐसा है, हम पहले कांग्रेस में थे जी, तो बड़ा अच्छा ठीक अपने हिसाब से कर रहे थे, वो अच्छा लग रहा था, लेकिन पनीर खाता खाता भी आदमी उपजे है, हमने सोचा भी पनीर तो भी अच्छी कोई चीज़ होगी, जिस तरह मोदी जी ने कहा भाई 15 लाख रुपए आएंगे, वो तो अपने फिक्स थे जी, उसमें कोई टैक्स भी कौन लगना था, अरे क्यों काला धन जी, ये दो चीज़ें खा चक्कर में हम तो बीजेपी ने ज्वाइन कराया था भाई, आंडे भी है उनका तर, लेकिन वो आए को नहीं, किस तरीके का आश गए हम तो, ये तरीका पूछा, ये वो खट्टर साहब भी चले गए, बतानिया तो कौन रहा कोई, ठीक है, नायब सैनी जी आए तो उन्होंने नहीं बताया, अच्छे आदमी है जी नायब सैनी, जो कांग्रेस 10 काम करे है 7 वगैन आ जाए आपके, 7 तो कांग्रेस आ जाए, 3 आपके जोड़ जाए है, ये पीछे से वो नड्डा साहब क्या रही थी बोले जी 58,000 गाँव में बिजली पहुंचा दी, हरियाणा मैंने तो सुने को 58,000 गाँव, तो धीरे उल्टे कांग्रेस ने, ये आंकड़े आते कहाँ से इनके पास, मैं बहुत बार देखता हूँ, मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले कुछ इनके एडवर्टाइजमेंट्स देख रहा था, जिसमें शुरुआत में 1,20,000 कुछ की नौकरियों की बात आई, फिर थोड़े दिन के बाद 1,40,000 कुछ, फिर 1,54,000 के आसपास तक का शायद कुछ ऐसा आ गया था, तो ये आंकड़े भी बार बार बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, क्या हो रहा है? सर आईटी सेल वाले हैं इनके पास बहुत अच्छे अच्छे, पैसा तो देश बिना का आया गया और उसी से सारा काम चल रहा है, लेकिन हमारे को खत्म को नहीं आया सर, किसी तरह उसका भारी दुख है, तो वो दुख है सर जी। और उसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं है, नौकरी वाला भी है सर, नौकरी भी थोड़ी सी मिल जाती ना, तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1.5 लाख के आसपास जो नौकरियां जैसे बता रहे हैं कि हमने दे दी, वो कहां गई? 2 लाख नौकरी थी जी बकाया, ये वो डाइड हुई होगी जी, वो दी किसने, वो गुजरात के कुछ आदमी आए बताओ हैं, इवन तो जान पहचान कौन मारी, अब क्या करोगे फिर यहाँ पर? UID UPID वाला सिस्टम ऐसा बना दिया, क्या किया DPIDs है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है अगर ये दिए बिना तो मतलब रिश्तेदार का भी कौन करते, अच्छा इब आप आगे मेरे रिश्तेदार भाई आपका काम करवाना, मैं कह के चला जाऊँ ठीक है मैं BJP का वर्कर हूँ मैं चल रहा हूँ करवा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद में कहियो साथ आओगा तो कौन दिया, अच्छा तो अकेला आज यू अकेला जागा 50,000 रुपये पकड़ा होगा काम हो जाएगा, अच्छा मतलब ये तो कहते थे पर्ची खर्ची कहीं पर भी नहीं लगी जी भाई, मैं जिसका वर्कर हूँ पार्टी का BJP का वर्कर हूँ मान लो, और मैं जा रहा हूँ खर्चा कैडर लग गया, सिफारिश तो करे आया मेरा ही तो पहुंच ही गई, पर्ची लागी ना खर्ची लागी, खर्चा तो अगला दे ही अगला देगा तो नहीं काम के करा, ये काम नहीं करेगा तो आप के करोगे। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ, इस बारे में बात हुई अच्छी बात है, नॉर्मली पहले अगर कांग्रेस राज में देखें तो वहां पर भी भ्रष्टाचार काफी था,
उसके मुकाबले अब भ्रष्टाचार बढ़ा या कम हुआ? सर पहले गलत काम के लिए लग गया करते, पैसे सही काम के लिए लग गए, सच्चाई तो है। या समझ जाएंगे आप भी, भाई साहब ने जो कहा है मेरे ख्याल से मुझे उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलिए अब यहाँ की बात करेंगे, बाड़ा हलके की, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, सबको देख लिया होगा, कौन अच्छा लग रहा है? सर देखो कैंडिडेट वाइज देखोगे तो नेचर वाइज में या व्यवहारिक बड़ी आदमी है, जो कांग्रेस ने जो बंदे खड़े कर रखे हैं बड़ी आदमी है, कोई आज तक कोई शिकायत नहीं है उनकी। रही बात लोगों की, तो लोगों को वो भी बात अच्छी लगती है जिस तरह हमने लगी थी, भाई 15 लाख रुपए आ जाएंगे या आ जाएगा नौकरी दे देंगे। अब नौकरी नहीं है तो क्या करेगा आदमी, बेरोजगारी। अब की बार तो वायदे भी दोनों के एक जैसे ही हैं। तो एक बात बताओ, वायदा पर विश्वास तो कर लिया, काम तो कौन करेगा? ठीक है, ये देखा भाई दूसरे पर देखा, उसने दोबारा मार लाए सुधर जाए तो ठीक है, ना तो फिर आगे और देखाएंगे और किसान बनाओगे। एक बार तो इसका मन पक्का कर रखा है सर, मतलब अब की बार बदलाव पक्का है। अब की बार तो हम ये चाहते हैं कांग्रेस का कोई भी बंदा वो खड़ा कर दे, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन ये बंदे जो बता रहे हैं भाई एरिया में सारे बढ़िया, कोई शिकायत नहीं मिली अब तक तो। आपका मूड क्या कह रहा है जी, बदलाव या फिर रखेंगे? बदलाव, सीधा बदलाव, सब परेशान है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, पहलवान है, सब है ना, सब सरकार से त्रस्त हैं। और उन्होंने वादा के जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया, जो अपने वादे करे उसकी कॉपी करके दे दी, इन्होंने कौन से वादे पूरे करे बताओ आप। ठीक है, तो जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के अंदर, ये भाई साहब ने ठीक कहा, पहले थोड़ा घना गलत काम के पैसे देने पड़ते थे, अब ठीक काम के 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि पूछो ही मत ना। कल मैं बाड़ा के कुछ गांव में था तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो अग्निवीर जो एक योजना शुरू की, ये भी एक बड़ा शायद रोड़ा शायद साबित होगी भाजपा के इस इलेक्शन के दौरान। नौजवान तो मतलब तैयारी इसी की कराया करते, बेचारे पढ़ के न, मतलब अपना शरीर तपा के न, उनका ये था भाई मतलब हम सेना भर्ती हो जाएंगे। इवन उन्होंने बताओ 4 साल के लिए वो क्या करेंगे फिर, उनका कहीं उनका कोई रास्ता ही नहीं रहा। अब झूठे वादे इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने क्या क्या किया बताओ आप। वो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी उससे परेशान हो गए थे जैसे भाई साहब ने भी कहा, उसके बाद भाजपा पसंद आ गई तो भाजपा में 10 साल निकाल लिए, अब इनसे परेशान हो चुके हैं, तो क्या नई कोई सरकार देखने की कोशिश नहीं करेंगे क्या, या उन्हीं में ही से ही बस एक बार उसको दे दे एक बार उसको? अब की बार है मतलब कांग्रेस सीधा सीधा, अब आम आदमी पार्टी भी आई है, एक आम आदमी पार्टी भी अब की बार हरियाणा में चुनाव लड़ी। और ना 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 आम आदमी पार्टी की और कोई किसी, ये तो सिर्फ मतलब इनका कोई वो नहीं, सीधा सीधा है ना कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस क्लियर अब की बार हरियाणा क्लियर तो कर रही है जी, क्लियर कांग्रेस है। भाई साहब आपको क्या लगता है? क्या लगता है? देखो जी मैं एक छोटा सा किसान हूँ, ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को हम पढ़ाते हैं, 10वीं तक ले जाते हैं जी। उसके पास उसके बाद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मिलिट्री में भर्ती करवाते हैं, तो 4 साल में बच्चा नौकरी करके हमें क्या देगा, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा जी। नौकरी और उसको मिले नहींगी, मेहनत उससे 4 साल में उसकी आदत ख़राब हो जाएगी, वो एक काम करेगा या तो शराब का लगेगा या सल्फास की गोली खाएगा। शराब का लग गया तो हमारा सारा परिवार खत्म, और सल्फास खा लिया तो खत्म, इससे आगे और हम क्या करें। मतलब दोनों तरफ से ही नुकसान आम आदमी का होगा। और मेहनत किसान कितनी कर सके, हम शादी करते हैं बच्ची की, दो फसल होती है साडू और शामू, साडू का निकाल लिया, लड़की की शादी करेंगे भाई 10 तारीख का ब्याह मांड दिया, 1 तारीख ने अनाज मंडी में गिर रहे, ऑनलाइन भी नहीं करना आता, मैं फोन भी नहीं चलाने आते, तो वो पैसे आए 1 महीने में, शादी हमारी 10 दिन बाद में, कहाँ से लाएंगे हम पैसे, कौन देगा हमें? अच्छा पहले वाली व्यवस्था ठीक थी जब एक किसी भी आड़ती के जा करके डाल आते थे और आड़ती जब जरूरत होते थे पैसे भी दे देते थे, उससे ज़्यादा तो फायदा था जी, हमारे 10 मन अनाज हुआ करता, हम आड़ती को ये बोलते थे अक्षेठ जी हमारे पास जितना अनाज हो ना हम आपको देंगे, हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या पशु ले रहे हैं, तुम हमें पैसे दे दो तो मैं फसल के ऊपर दे देंगे, हम उसके पास 5 लाख रुपये उठा लेते, हमारी फसल बनाया कर दी 1 लाख की, 4 लाख बका रहता है तो 8 थी उसको लिख लेता, आगे हमारा हाथ खुला रह जाता, अब तो दोनों हाथ बंद हो गए, कौन देगा हमें। तो अब करने क्या वाले हो, पहले तो अपने यहाँ की बता दीजिए और दूसरी बात बताइएगा कि अब हरियाणा में आप क्या देख पा रहे हो, कौन सी सरकार?
हरियाणा में देख रहे हैं जी कांग्रेस सरकार बढ़िया विजय पाएगी। और बाड़ा में, और बाड़ा में मैं सीधी सीधी कह दूं, कोई दबाव नहीं मानूं किसी पार्टी से, छोटा किसान हूं, अपनी मजदूरी करता हूं, सोमवीर बाबू जी गागड़वास से कांग्रेस पार्टी से बढ़िया विजेता पाएगी, कम से कम 40,000 वोटों से जीतेंगे। 40,000 वोट मैं वादा करता हूँ। 27,000 की लीड क्योंकि लोकसभा चुनाव में थी, अब की बार बढ़ा के देने वाले। 13,000 और जोड़ दो जी, 40,000 हो जाएंगे। हाँ, तो क्या लगता है जी आपको कि अगर कांग्रेस जीत के आ रही है तो सीटें कितनी निकाल पाएंगे? सीटें है ना जी, मतलब कांग्रेस 60 से कम सीट नहीं आएंगी जी, 60 से कम का तो मतलब ही नहीं है, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत से ऊपर जी। रही बारडा की बात, बारडा के अंदर जो चौधरी सोमवीर सिंह कैंडिडेट इतने बढ़िया है, ये इतने ईमानदार, आज तक इनके किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, एक इनका नेचर है। हाँ, अगर काम होता होगा तो हाँ भरेंगे, काम नहीं होता होगा तो नट जाएंगे। मिले हैं कभी आप इनसे पर्सनली? जी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया है, ऐसे नेता आपको मिलेगा ही नहीं जी, बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा काम बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से, सभी से पूछता हूँ, आप लोगों के आसपास में ही दुकानें हैं या बाहर से आए? ना ना, अरे देहात से जी, सेठ जी की है दुकान हमारी जी। ठीक है, नहीं नहीं, आप लोगों के, आप लोग आप क्या करते हैं? मैं तो मतलब जमींदारा करता हूँ जी। जमींदारा? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता फिलहाल, तो कुछ नहीं कर रही। ये कारण क्या हुआ? नौकरी के लिए बात हुई थी सर। अच्छा, नौकरी तो मिली नहीं, मिली नहीं तो आप कुछ कर नहीं? वो पहले थोड़ा बहुत जमींदारा कराया करते, वो छूट गया। अच्छा, ये बागा आज तो कौन रही कोई? तो शायद ये गुस्सा अब आप निकाल रहे हो अब की बार से। गुस्सा तो के जी देखो, समझना चाहिए इन्हें, इतना गलत काम कर दिया, भाई वादे तो इतने कर दिए, कीमत करना चाहिए। बाबूजी हमारे पास हथियार ही है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 55 साल का हो गया। अच्छा, तो ये तो फिर आप 10 साल पहले ही यहाँ से आउट? तीन बालक है, तीनों न्यू है वो भी। ठीक है, उनके लिए करने लग रहे तो भाई उनके लिए कर जा। ठीक है, अब जो कर्मचारी है उनको, जो पुराने कर्मचारी में सर्विस कराया करता, हमें पेंशन मिलती है, मैं पिछले साल रिटायर हुआ हूँ, और जो अब नए इनकी मतलब पुरानी पेंशन बंद कर दी, एक मतलब बुढ़ापा जितने भी कर्मचारी हैं उसके लिए मेन मतलब यही होता है कि वो रिटायरमेंट हो जाएगा तो पेंशन ही उसका मुख्य सहारा है, इन्होंने पेंशन भी बंद कर दी जी। तो अब कांग्रेस कह रही है ओपीएस वापस ले आएंगे? ओपीएस कांग्रेस की सरकार का ये वादा है। तो मतलब विश्वास हो रहा है कि ये ले आएंगे? हाँ विश्वास है जी, पक्का विश्वास है जी, ये लेंगे। यहाँ पर सुन सकते हैं जी, काफ़ी सारी बातें हुई हैं, और भाई साहब भी हैं, एक बार आज आप भी आ जाएं, भाई साहब नीचे आ जाएं जरा हमारे पास में ही आ जाएं, आ जाएं, आपकी आप आपकी भी जो बात है ज़रूर सुनेंगे। या आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं जरा। क्या लगता है जो ये सभी के सभी जो कह रहे हैं भाई, तो सब सही? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अच्छा, गाँव में जैसे अभी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अच्छा खासा बाजार बन चुका है, बाजार में हालात कैसे? ठीक हालात जी, हालात ख़राब बाजार के। अच्छा, काम नहीं है जी। अच्छा, वैसे ठीक है, आप से प्रेम प्रेम है, प्रेम है। हाँ, लेकिन काम नहीं है? काम नहीं है जी। ठीक है, तो अब व्यवस्था क्या चाहते हो आने वाले समय में? काम चाहते हैं जी, हम तो काम चाहिए। कांग्रेस ये काम में कुछ बढ़ोतरी करवा पाए? देखो आज तो है जी, उम्मीद है लोगों की इनकम बढ़ पाएगी। हाँ जी, सारे दिन 50 मोटर कराते हैं ऑनलाइन वाले, हमारा धंधा चौपट कर दिया। ये ऐसे नहीं रहा करता जी। हाँ जी, जब ये ऑनलाइन सिस्टम, ये दुकान है ना जी, ये दुकान ग्राहकों से भरी रहा करती। बिल्कुल, अब ये मतलब देखो, मतलब सुबह से शाम तक कपड़े भी ऑनलाइन मिलने लगे। हाँ, कपड़े सब कुछ ऑनलाइन, और उनका 1% भी GST नहीं आड़ा, मतलब कम दे दिया उसका GST, वो महंगा पड़ेगा, बताओ क्यों आओगे? के बार क्या करेंगे? वोट कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। तो यहाँ पर भाई साहब भी पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आपसे भी जान लें। हाँ जी, क्या माहौल देख रहे हैं, हल्के में भी घूम रहे होंगे? पूरे हरियाणा में जी कांग्रेस पार्टी की लहर है। ठीक है, दो ती आई बहुमत से ऊपर कांग्रेस पार्टी सीट ले सरकार बनाएगी। ठीक है, बाड़ा में भी सेम पोजीशन है, 60% से ऊपर कांग्रेस अकेली है सब गाँवों की मिला सर। ठीक है, सब गाँव में कहाँ पे अभी जाके आ रहे हैं, क्योंकि वोट के लिए शायद घूम रहे होंगे? हम लगभग पूरे हल्के में जा चुकी है पिछले एक हफ्ते, एवरेज यही है कि 60% में सब दामा, किसी 65 है, किसी में 45 है, मिला दिया जो है ना कांग्रेस। दावे तो जैसे दूसरे भी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, मैं देख पा रहा हूँ सोमवीर घसोला निर्दलीय खड़े हैं, वो दावे कर रहे हैं, उधर उमेद पोत उस भी उनकी सोच है जी, हमारे हिसाब से हम तो हमारा व्यूज बता रहे हैं, अपनी सोच है। तो जनता ये जो आपकी सोच है उसके ऊपर खरी उतर पाएगी? हमारा तो पूरा विश्वास है कि उतरेगी, जैसे ये दाम है इसकी भी रिपोर्ट है और दाम की भी रिपोर्ट है। ठीक है,
तो सुन सकते हैं आप, काफ़ी सारी जो बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं और इन तमाम लोगों का यहाँ पर कहना यही है कि व्यवस्था जो हुई वो सही नहीं हुई। नीतियाँ हो सकती हैं सही हों, लेकिन नीतियों को लागू करना जो है वो शायद सही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हुए। और उन परेशानी का मतलब यही निकल रहा है अब कि अब कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में वोट पड़ रहा है, नहीं तो शायद नीतियों से। काफ़ी सारे लोगों से अभी हमने बात की, इनको लग रहा था कि नीतियाँ तो ठीक थी, इम्प्लीमेंटेशन गलत था। तो चलिए किसी दूसरे गांव से फिर मिलेंगे, तब वहां से भी आप लोगों को पूरे जो जानकारी है वो पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं सोमेश शाह का।